चिट्ठी आती है उसमें लॉरेंस बिश्नोई नाम का जिक्र होता है। हमौत का फरमान नवाब सतपाल तंवर तेरे नाम, सलमान के बाद तेरा नंबर। ये बोलता है कि बीच रोड पर तेरे को हरिजन ढेर चमार वाली गंदी मौत मारेगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना बंद कर दे वरना तेरी जबान हमेशा के लिए बंद कर देंगे। मुश्किल में फंसा हूं, एक गुंडा मवाली जेल से लिख करके मुझे चिट्ठी भेजता है मेरे घर पे और कहता है कि मौत का फरमान सतपाल तंवर तेरे नाम दे रहा हूं और सलमान खान के बाद तेरा नंबर है। मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, यहां अमित शाह जी हरियाणा पुलिस को काम नहीं करने दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी ने हरियाणा पुलिस के हाथ बांध रखे हैं, FIR दर्ज हो चुकी है मामले में, पूरे 2 दिन देरी से FIR दर्ज हुई और CRPC 154 में प्रावधान है कि आप 24 घंटे में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास FIR की कॉपी भेजेंगे। वो कॉपी नहीं भेजी गई, आज तक भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट को कॉपी नहीं भेजी गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुड़गांव में, और मुझे भी शिकायतकर्ता को भी कॉपी नहीं दी गई जो कि SC ST एक्ट के सेक्शन 4 का अपराध है और CRPC 154 में भी अपराध है। अभी तक भी अमित शाह जी ने मुझे FIR की कॉपी नहीं दी है, देने नहीं दी है, पुलिस से रोक रखा है उनको। कहीं किसी भी तरीके से मैं लोगों के सामने आकर के अपनी बात नहीं कह पाऊं, मेरे पीछे इन्होंने गुंडे लगा दिए हैं, मेरे पीछे इन्होंने पुलिस लगा दी है, मेरे पीछे इन्होंने पूरा अपना जो इनका लाव लश्कर है सब इन्होंने मेरे पीछे लगा दिए। आज मैं बड़ी मुश्किल में हूं और अमित शाह जी मुझे साइलेंट मौत मरवाना चाहते हैं, या तो मुझे जेल में डालकर मरवाना चाहते हैं, गुंडों के हाथों से मरवाना चाहते हैं, या फिर मुझे कहीं बाहर में इस समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए काम करने के लिए अगर निकलूं तो वो मुझे मरवा देना चाहते हैं। तो सतपाल जी जो आपको धमकी दे रहा है उसका क्या नाम है और आप उसे कैसे जानते हैं या वो आपको कैसे जानता है? देखिए मुझे नहीं पता वो कौन है। चिट्ठी आती है उसमें लॉरेंस बिश्नोई नाम का जिक्र होता है, हम पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस मुझे डराती है। पहले तो अपने अफसरों से बात करते हैं, फिर ये सरकार से बात करते हैं ये लोग, फिर ये लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा गुंडा है, फिर मैं इनको गूगल करके देखता हूँ तो पता चलता है कि गुंडा मवाली है। अब बहुजनों से बढ़ के अगर होगा तो शायद हम लोग इतने डरते भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कानून का सम्मान करते हैं, तो इस व्यवस्था के प्रति हमारी लड़ाई जो है और जो लड़ाई हमारी हमारी जो लड़ाई सरकार जो कर रही है, जो शोषण कर रही है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप चिट्ठी को पढ़ के देखें, चिट्ठी में ये लिखता है कि नरेंद्र मोदी का विरोध करना बंद कर दे सतपाल तंवर। मैं चिट्ठी दिखाता हूँ, सतपाल तंवर नरेंद्र मोदी का विरोध करना बंद कर दे। पहले तो ये देखो, ये कहता है मौत का फरमान नवाब सतपाल तंवर तेरे नाम, सलमान के बाद तेरा नंबर। मुझे पता लगता है कि ये तो बहुत बड़ा गुंडा बदमाश कोई होगा, लेकिन इतनी ये धमकी भेजता है, मुझे कहीं ना कहीं दबाना चाहता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार मुझे दबवाना चाहती है, क्योंकि इसमें साफ तौर पर लिखा होता है कि सीधा जेल से चिट्ठी लिखकर समझा रहा हूं नवाब सतपाल तंवर, इस लेटर को हल्की धमकी मत समझना, ये ऐसा लिखता है। आप पढ़ लेना, पूरा पढ़ के बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा। इसमें ऐसी बातें लिखी हुई हैं, हमारे मसीहा, हमारे बाबा साहब अंबेडकर हमारे भगवान हैं, उनको गालियां लिखी हुई हैं। संविधान के बारे में गलत लिखा हुआ है, देशद्रोह के दायरे में आता है, देशद्रोह का की धारा पुलिस ने नहीं लगाई और SC ST एक्ट की भी धारा इसमें पुलिस ने नहीं लगाई, ये देशद्रोह के दायरे में आता है ये अपराध। संविधान को विरूपित किया जाता है, बाबा साहब अंबेडकर जी को गालियां दी जाती है, मुझे गंदी गालियां दी जाती है। ये बोलता है कि बीच रोड पर तेरे को हरिजन ढेर चमार वाली गंदी मौत मारेगा, ये मुझे मारेगा। हम अपने समाज की आवाज उठाते हैं तो क्या गलत करते हैं? कहीं भी शोषण होता है, कहीं भी अत्याचार होता है, देश के किसी कोने में, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, कहीं भी हो, हम लोग पहुंचते हैं तो क्या गलत करते हैं? इनको दर्द होता है। ये कहता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना बंद कर दे वरना तेरी जबान हमेशा के लिए बंद कर देंगे। एक गुंडा मवाली जेल से चिट्ठी लिखता है और मुझे धमकी देता है और गृह मंत्री अमित शाह जी लॉरेंस बिश्नोई नाम के इस गुंडे मवाली से पूछताछ करने पर रोक लगा देते हैं। ये कहते हैं कि इस तरह की ये धमकी जो है
इस मामले पर लॉरेंस बिश्नोई से कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। इसका बकायदा लेटर है, नोटिफिकेशन पास किया जाता है, गृह मंत्रालय पास करता है। अब ये बताए, हम लोग डरते नहीं है, समाज के लिए लड़ते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर गृह मंत्री अमित शाह जी ये चाहेंगे कि साइलेंट मौत मरवा दे, तो साइलेंट मौत मरना हम भी नहीं चाहते। हमने तो अपने सिर पर ये नीला कफन बांधा हुआ है, हम तो अगर शहीद होना होगा तो शहीद हो जाएंगे, लेकिन छिप कर गीदड़ वाली मौत मरना हमें पसंद नहीं है। हम कहते हैं कि इस व्यक्ति के साथ पूछताछ भी करो, इसको गिरफ्तारी इसकी है, ये अलग अलग जेलों में जाता है, हमने गूगल से पता किया है, अलग अलग जेलों में ये बैठा हुआ है, तो इसको इसको जो है इससे पूछताछ करके इसको जो हर संभव सजा हो वो सजा देने का काम करना चाहिए। यहां तक कि जो पुलिस के अफसर हैं और जो हरियाणा सरकार है वो पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि जी ऊपर से दबाव है, गृह मंत्री साहब का दबाव है, अमित शाह जी का दबाव है। अब लोगों को बुरा लग जाएगा अगर मैं कहूं कि एक आदमी तो जेल में पड़ा है और दूसरे को तड़ी पार कहा जाता है। मैं माननीय गृह मंत्री कहता हूं, मैं तड़ी पार नहीं कहता, लेकिन लोग कहते हैं, तो वो इसको प्रमाणित खुद कर रहे हैं कि वो तड़ी पार है। और ये गठबंधन क्या कहलाता है इनका? बीजेपी का गठबंधन तो बदमाशों के साथ हो गया, बीजेपी का गठबंधन तो गुंडे मवालियों के साथ हो गया, जेल में अपराधी बैठे अपराध कर रहे हैं। इनका गठबंधन है गोदी मीडिया का, सरकार का और बदमाशों का, इन गुंडों का, गोदी मीडिया का और सरकार का, बीजेपी सरकार का गठबंधन है इन लोगों का। जो ये इन लोगों का गठजोड़ है, आप खुद समझते हैं कि इन लोगों के गठजोड़ में वो जेल में बैठा हुआ बंदा वो धमकियां दे रहा है, जेल में बैठ के वो इंटरव्यू देता है, मैंने यूट्यूब पे देखा ये धमकी आने के बाद, जेल में बैठा हुआ पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहा है। गुड़गांव में गोदी मीडिया के कुछ एजेंट बैठे हैं, मैंने कहा भाई मेरी मदद करो, बोले कि सतपाल तंवर भाई ये तो बहुत बड़ा गुंडा है, सरकार इसके साथ है, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। मैं दो चार कार्यालयों के ऑफिस में गया, वहां बैठे बियर पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, गोदी मीडिया के एजेंट लोग वो ऐसे मजे कर रहे हैं वहां पर, हमारी बात को नहीं चला रहे। आज मुझे बहुजन मीडिया पे पूरा भरोसा है कि आवाज मेरी सब तक पहुंचाएंगे, मुझे मरने से नहीं डर लगता साहब, लेकिन मेरी रूह आप लोगों के दिलों में जिंदा रहे, बस मैं ही ये चाहता हूं। मैं मर जाऊंगा लेकिन आप सबके भीतर जिंदा रहूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।